इसका टिकट कौन लिया? हम लोग के पास अपने टिकट है। गलती हम नहीं करेंगे। पैसा ना चोरी हुआ था भैया। मांगने आप आपको मिल जाएगा। किस प्रकार पैसेंजर जो हैं वो जनरल कोच में लटके हुए हैं? और ये बिल जो है ये बिल पूरा ही गलत है क्योंकि इसमें वेज का स्पेलिंग में सही नहीं लिखा हुआ है। तो स्वागत कर रहा हूँ आपका बिहार के बरौनी जंक्शन से, और आज हम जाएंगे अहमदाबाद। सफ़र करेंगे 19484 बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस में, जो कि बरौनी से शाम 7:30 बजे चलती है और तीसरे दिन सुबह 11:50 में हम पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। यानी लगभग 2170 किलोमीटर की दूरी को हम तय करेंगे 40 घंटे 20 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं इस रेल यात्रा को। यही है हमारी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस, लगी हुई है बरौनी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे LHB रेक के साथ, और जर्नी स्लीपर में करेंगे। मेरा S6 कोच में 79 बर्थ, यानी रेल प्रेमियों का फेवरेट सीट, साइड लोअर बर्थ है। बाकी आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर। इस गाड़ी की साफ सफाई काफी अच्छी है, और कुछ ऐसा है इस ट्रेन का स्लीपर कोच का इंटीरियर, साफ सफाई देख लीजिए, द ट्रेन इज वेरी क्लीन। और ये गाड़ी सूरत बड़ोदरा होते हुए अहमदाबाद जाती है, और सूरत बड़ोदरा अहमदाबाद आप सभी को पता ही है बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री और कमर्शियल सिटी है, इसलिए बिहार से बहुत ज्यादा संख्या में श्रमजीवी इस गाड़ी को प्रीफर करते हैं सूरत बड़ोदरा और अहमदाबाद जाने के लिए। चलिए, हमारी बरौनी अहमदाबाद निकल चुकी है बरौनी से अहमदाबाद के लिए, और शुरू हो चुकी है हमारी ये लगभग 40 घंटे की ये ट्रेन जर्नी। ट्रेन फिलहाल निकली यहाँ से 15 मिनट की देरी से, और ये भैया हैं जो जाएंगे सूरत तक ना हो? जी हाँ, अपने बेगूसराय से ही हैं जी। और इसका पहला स्टॉप है समस्तीपुर, लेकिन मिलते हैं आपसे अब मुजफ्फरपुर में। किस्मत देखिए कितना खराब है, जहाँ मेरी सीट पर ही है ना चार्जिंग पॉइंट कहीं का काम नहीं कर रहा है, ना इस तरह काम कर रहा है और ना ही ये साइड लोवर का चार्जिंग पॉइंट काम कर रहा है। देखते हैं, एक छोटा सा कंप्लेन करते हैं, अगर ठीक ठाक हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। मेरे माथे लंबा सफर है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और देखिए ना, अभी केवल ट्राई के लिए हम चार्ज लगाए थे, हमको चार्ज लगाने नहीं दिया, यही होता है ना भैया। अच्छा कर दीजिए, नहीं हो तो वो तो बात की बात है। हाँ अच्छा नहीं, भला हो भैया आपका। आपने यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 19484 बरौनी से अहमदाबाद वाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। चलिए, रात के 10 बज चुके हैं और हमारी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस बरौनी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और पहुंच चुके हैं हम मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में इस गाड़ी का असली मार्केट बनने वाला है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से बोर्ड करने वाले हैं, यहां से गाड़ी में गर्दी मचने वाला है। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इस गाड़ी में यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे सीट का और बाजू वाले सीट का जो चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा था, कंप्लेन किए थे। कंप्लेन करने के बाद समस्तीपुर के बाद एक भैया आते हैं, चार्जिंग सॉकेट को खोल खाल करते हैं, और खोल खाल करने के बाद चार्जिंग पॉइंट हमारा भी और हमारे बाजू वाले का भी ठीक ठाक हो जाता है, यानी अब मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो कभी भी अगर आप भी रेल यात्रा करें और आपके भी सीट का चार्जिंग पॉइंट काम ना करे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन आप 139 पर भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं, और रेल मदद ऐप पर भी कर सकते हैं। इस मामले में रेलवे काफ़ी जल्दी बातों को सुनता है। हमारी बरौनी अहमदाबाद निकल चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन से, और अब जाते हैं सोने, और कल सुबह से इस जर्नी को, इस बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। वैसे ये गाड़ी आई थी मुजफ्फरपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और 10:15 बजे यहाँ से निकली है। चलते हैं अब सोने, गुड नाइट हो भैया। यहाँ देखिए, अपने दो भाई आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं और इन्हें जाना है सूरत, और इनके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया। इनका कहना है, भाई का, कि मुजफ्फरपुर में हम चढ़े थे और मुगल सराय के आसपास एक लड़के ने हमारा पर्स चोरी कर लिया, हमारा टिकट छीन लिया और इनके साथ मारपीट भी की है। जिसने इसके साथ मारपीट की है वो लड़का जनरल कोच में बैठा हुआ है ना, सबसे आगे की ओर। अगर समय मिले सबसे आगे की ओर जाएंगे और देखेंगे किसने इनके साथ मारपीट की है। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और बरौनी से भी लगभग 650 किलोमीटर की दूरी भी हम लोगों ने तय कर ली है और पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम करवी। चित्रकूट धाम करवी जो कि आता है यूपी के करवी जिले में, और रेलवे के साथ फिलहाल हम आ गए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीजन में। फिलहाल जा रहे हैं जनरल कोच में सबसे आगे की ओर, देखना है कि किस भाई ने इसे मारा है, इसका पैसा कौड़ी और टिकट छीना है। चलते हैं जनरल कोच में। अरे भाई, सच क्या है, आप तो बोल दे। नहीं, चोरी हम नहीं किए। चोरी आप नहीं किए हैं? आपको मारा किसने?
मारा है, मतलब कि उसको साथ में वो हमारे नाम लेता था ना, इसके लिए मारा है। चोर इसका नाम ले रहा था। आपका टिकट कहाँ है? आपका टिकट कहाँ? टिकट ये लोग ले लिए हैं। ये बोल रहे आपने टिकट लिया है? आप चेक कर लीजिए ना, मेरे पास पर्स भी नहीं है, मोबाइल वाइल। टिकट मेरा अपना मेरे पास टिकट है। हम इसका टिकट का लेके लेंगे? इसका टिकट तो खुद फेल टिकट था, जो हम लोग इसको बताया कि इसका टिकट नहीं है। बाकी हम जनरल कोच में आए थे इन दो भाइयों का हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और सुनने मिल रहा है। मतलब ये दोनों भाई जो हैं, किसी ने ट्रेन में फ़ोन चोरी किया था ना, फ़ोन चोरी किया था, और उस चोर के साथ ये दोनों भाई मिले हुए थे। और ये भाई ने पहले कहा कि इस भाई ने इसे मारा है, टिकट लिया है और पैसा चोरी किया है। अब ये भाई बोल रहा है कि भाई हम तो इसका और इसे बचा दिए हैं। और इस गाड़ी के जनरल कोच में किसी ने मोबाइल भी चोरी किया है। भाई के पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। इस बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस में भैया चोरी भी होती है, अपना मोबाइल फ़ोन पर्स थोड़ा संभाल के रखिएगा। बाकी अब सच किया है झूठ किया है ये तो भगवान जाने। हम तो आए थे दोनों भाई का हेल्प करने के लिए। पैसा आपका भी चोरी हो गया है? किसी का पैसा ना चोरी हुआ था भैया, बाजू में यहाँ पर बैठ के लोग अपना मोबाइल दे दिया उसको चलाने के लिए, इसको नींद आ गया, इसने पर्स में से पैसा चुरा लिया। हम लोग आपको पागल कुत्ता थोड़ी काटे भाई, किसी को मारता पीटा। अरे काहे भाई किसी को मारेगा, सब तो अपने गाँव जवार का है ना। हम लोग का सब अपना बिहार, भाई हम लोग अपना बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं गुजरात कमाने खाने के लिए। कमाने जा रहे हैं हम लोग, खुद लेबर इंसान है। वही ना, क्या करते हो वहाँ? कंपनी में काम करते हो? बाकी जनरल कोच में आ ही गए हैं तो जनरल कोच का आप कंडीशन देख लीजिए। देख लीजिए कुछ ऐसा है इसे बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन, वहाँ देख लीजिए मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है। फिलहाल जनरल कोच से हम आ गए अपने स्लीपर कोच में। अच्छा, इस गाड़ी में देखिए मैक्सिमम तो लेबर कैटेगरी के लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं, बचा कुचा नॉर्मल पैसेंजर और जो बचा कुचा है वो सब चोर चुहारी हैं। इसलिए कभी भी ट्रेन में ट्रैवल कीजिए तो अपना पर्स, अपना मोबाइल फ़ोन और अपना कीमती सामान भैया संभाल के रखिए, क्योंकि ट्रेनों में, केवल इस गाड़ी में नहीं, बहुत सारी ट्रेनों में चोरियां बहुत ज़्यादा होती है। इस भाई का भी फ़ोन चोरी हो गया है। किस ट्रेन में? इसी गाड़ी में, सुबह वाली गाड़ी में। बलिया बिहार वाला काची पे चाची, बलिया बिहार वाला यहाँ कोबरा भी आ चुका है। जय हो नाग देवता। असली सांप है क्या महाराज? बाकी यहाँ देखिए किंग कोबरा, अरे बाप रे बाप, असली है क्या? बाप रे बाप, तो कोबरा है भैया, कोबरा। फिलहाल बिन में जाते हुए सपेरों की भी एंट्री हो चुकी है, और ये सपेरा जो है सांपों का दांत तोड़ के सांपों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कुछ दिन बाद इन सांपों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बोलेंगे भाई आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? भाई कंप्लेन किससे करें, बहुत सारे पुलिस वाले हैं इस ट्रेन में और उसी के सामने ही ये लोग बिन बजाकर सांपों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किससे आप कंप्लेन कीजिएगा बताइए। ट्रेनों में अगर आप रेनली और बिस्लेरी पीते हैं तो इस गाड़ी के स्लीपर कोच में आपको ये लोकल पानी पीना होगा। स्लीपर कोच में तो आपको रेनली और बिस्लेरी नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा उसे तंग कीजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये लोकल पानी ही बेचा जा रहा है। और इसका नाम है हेल्थ प्लस और ये IRCTC द्वारा अप्रूव्ड भी नहीं है। बरौनी जंक्शन से चलकर महोबा, खजुराहो, ललितपुर, सूरत के रास्ते अहमदाबाद जंक्शन को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो समय है सुबह के 11:25 और हमारी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस पहुँच चुकी है बांदा। बांदा जो कि यूपी का एक जिला भी है, और गाड़ी यहाँ 1 घंटे लेट आई है। इसका यहाँ आने का टाइम था सुबह 10:25, आई है 11:25। बाकी दोस्तों इस गाड़ी में दो नीतियाँ काम किया जा रहा है। स्लीपर कोच में तो लोकल पानी 20 रुपये में बेचा जा रहा है, और एसी में, वो भी सेकेंड एसी में, रेल नीर बेचा जा रहा है वो भी 15 रुपये में। जब हम पेंट्री कार से गुजर रहे थे तो पेंट्री कार में दुनिया भर का रेल नीर का बोतल रखा हुआ था, और वो केवल सेकेंड एसी के लिए है। बाकी स्लीपर कोच में भी आपको मिलेगा अगर आप उसे ज़्यादा तंग कीजिएगा तो। फिलहाल बांदा में देख लीजिए कितने सारे अपने भाई बंधु जो हैं इस गाड़ी में बोर्ड कर रहे हैं। जनरल कोच का बहुत बुरा हाल है भैया। और बाकी सुबह के 11:30 हैं, अभी तक हम लोगों के पास खाने का ऑर्डर लेने भी नहीं आया है। अगर आता है खाने का ऑर्डर लेने तो दिखाएंगे आपको कैसा है इस बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस में मिलने वाला खाना और कितने रुपए उस खाने का लिया जाता है। कैसे खाना? सादा खाना 120 रुपये थाली है। मगर भैया ये खाना तो 80 में मिलता है ना हो?
आपको नहीं बोले बिल देंगे शाम को, ये तो 80 वाला ही खाना है भैया। नहीं, गलत है। ठीक है, आप हमें बिल दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, हाँ तो चलेंगे, लास्ट अहमदाबाद तक जाएंगे। मिल जाएगा आपको, पैसा भी दीजिए। जी, बिल दीजिए तब ना हो। पैसा दीजिए ना, पैसा दीजिए, आपको नहीं देंगे तब हम तो बोल रहे भैया दोनों का 2 रुपये ले लीजिए। 40 रुपये हम जब ना देंगे अपना। भैया बहुत बार ट्रेन में सफ़र किए हैं, ये वाला खाना 80 रुपये में खाएँ। स्लीपर कोच में लोकल पानी बेच रहे हैं और सेकेंड एसी में रेल नीर बेच रहे हैं। पहले मेरे पास मांगने आप आपको मिल जाएगा रेलिंग, अब मांगेंगे ठीक करिए, मांगेंगे रेलिंग, रेलिंग मिल जाएगा आपको, मांगने के ऊपर रहता है। भैया ये है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस का वेज थाली, देख लीजिए 80 रुपये वाला ही खाना है, लेकिन 120 रुपये भाई साहब बोल रहे हैं। चावल है, दाल है, सब्जी है, भुजिया है और ये 2 पीस पराठे दिए गए हैं। आप सभी को पता ही है कि ये खाना 80 रुपए का है, हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि हमें देखना है कि आखिर 120 रुपए वाला जो बिल होता है वो कैसा होता है। खाना खाते हैं और आपको बिल भी दिखाएंगे कि वो बिल सही है या गलत है। सबसे पहले स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम आ चुके हैं और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है महोबा, महोबा जंक्शन, जहां से हमारी ट्रेन खजुराहो की ओर जाएगी। इसके अलावा यहां से एक लाइन झांसी की ओर भी जाती है। मगर दोस्तों खाने पीने की बात करो तो खाना काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 80 के खाने को आप 120 में बेचिएगा। चलिए चलिए चलिए। अरे भैया महाराज थोड़ा अंदर जाइए, देख लीजिए ट्रेन निकल चुकी है महोबा जंक्शन से और किस प्रकार पैसेंजर जो हैं वो जनरल कोच में लटके हुए हैं। अरे भैया महाराज, अरे बाय बाय ओ भैया, महोबा जंक्शन निकल चुके हैं महोबा से। बात करूँ इस बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस की किराए की, तो यदि आप इस गाड़ी से बरौनी से अहमदाबाद जाइएगा जनरल कोच में तो आपको देने होंगे 470 रुपये। वहीं स्लीपर का पड़ जाएगा 805, थर्ड एसी का है 2100 रुपये और सेकेंड एसी का है 3060 रुपये। अलग से पेंट्री कार भी है। चलिए दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खजुराहो, जो कि आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और यहां अपनी इस गाड़ी का 25 मिनट का स्टॉप है क्योंकि यहां इस गाड़ी का रेक रिवर्सल होगा, यानी यहां से हमारी ट्रेन उल्टी दिशा में जाएगी ललितपुर के रास्ते भोपाल की ओर। खजुराहो में भी बहुत सारे पैसेंजर उतरे हैं जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार जाना है। जी हाँ, यहाँ से आप बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। यहाँ से बागेश्वर धाम की दूरी है लगभग 15 से 16 किलोमीटर। आपको बाहर ऑटो मिल जाएगा, 50 रुपये लेगा और आपको बागेश्वर धाम सरकार पहुंचा देगा। देख लीजिए बाहर बहुत सारे ऑटो भी लगे हुए हैं। और खजुराहो आप सभी को पता ही है घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ खजुराहो के मंदिर मौजूद है जिसे कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में भी शामिल किया है। वेब 7 लोकोमोटिव जो आ रहा है यही लोको इसमें लगाया जाएगा बरौनी अहमदाबाद में। फिलहाल टाइम देख लीजिए दोपहर के 3:10 हो चुके हैं और हमारी बरौनी अहमदाबाद निकल चुकी है खजुराहो से 2 घंटे की देरी से। और अच्छा, इस गाड़ी की कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इस गाड़ी में देखिए 3 जनरल कोच हैं, 8 स्लीपर कोच हैं, 6 थर्ड AC और 2 सेकेंड AC के कोच हैं और 1 बैटरी कार है। EOG और SAR मिलाकर टोटल 22 कोच की ट्रेन है ये अपनी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस। और देखिए हमें खाने का बिल कब तक दिया जाता है, बिल दिया भी जाता है या नहीं, और अगर दिया जाता है तो ओरिजिनल बिल दिया जाता है या फिर डुप्लीकेट बिल दिया जाता है, क्योंकि गोल बाल तो ये लोग करते ही हैं। निशाना लगाने के चक्कर में सारा गिट्टी फेंक दीजिए उधर, है ना, आपका तो कुछ जाता नहीं है। चलिए शाम के 6 बज चुके हैं और फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ललितपुर पहुंच चुके हैं हम, ललितपुर जंक्शन, जहां से हमारी ट्रेन झांसी भोपाल वाली लाइन में इंटर कर चुकी है। और गाड़ी अभी भी 2 घंटे लेट चल रही है, इसका यहां आने टाइम था 4:00, आई है 6:00 और हमारी गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक हमारी ये 19484 बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है बरौनी से ललितपुर तक, और हमें यहाँ से लगभग 1170 किलोमीटर की दूरी तय करना अभी बाकी है। शताब्दी एक्सप्रेस रानी कमलापति,
कॉल जारी बिलियन चलो भैया। तो फिलहाल रात के 11 बज चुके हैं और वो कैटरिंग वाले भाई साहब हमें ये खाने का बिल देने आया है। बिल में आप देख सकते हैं ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम और 240 रुपये लिखा हुआ है। 120 रुपये के हिसाब से दो प्लेट का 240 रुपये। और ये बिल जो है ये बिल पूरा ही गलत है क्योंकि इसमें वेज का स्पेलिंग में सही नहीं लिखा हुआ है। देखिए मैंने 240 रुपये उस भाई साहब को दे तो दिए लेकिन फिर बाद में मैंने कंप्लेन किया और कंप्लेन का रिस्पॉन्स तुरंत आया। रेल मदद ऐप में मैंने कंप्लेन किया था, रिस्पॉन्स भाई तुरंत आया, तुरंत वो भाई साहब आता है और मुझे बाकी का पैसा वापस करके देता है। कहने का मतलब देखिए अगर खाने में आपको बिल दिया जाता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल सही ही है, वो बिल इस बिल की तरह गलत भी हो सकता है जैसे ये है। फिलहाल रात के 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे रात में इस बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का आप कंडीशन देख लीजिए, किस तरह अपने भाई लोग जो हैं वो इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं देख लीजिए। भेड़ बकरियों की तरह लोग इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर कोच में। ये स्लीपर कोच का हाल है भैया, जनरल कोच का हाल नहीं है, जनरल कोच का हाल तो इससे भी बुरा है। तो समय है रात के 12:15 बज चुके हैं और हमारी बरौनी अहमदाबाद पहुंच चुकी है, भोपाल का ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसकी तुलना एयरपोर्ट से की जाती है क्योंकि ये अपने देश का एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। और देखकर लग भी रहा है और आप प्लेटफॉर्म की साफ सफाई देख लीजिए भाई साहब, पूरा प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन है। इस रेलवे स्टेशन के आगे एयरपोर्ट भी फेल है। हमारी गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम आ गए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन में। ये इतना साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है कि लोग इसे गंदा करने में भी 100 बार सोचेंगे। देखिए डस्टबिन भी दिया हुआ है। बाकी ये सीढ़ियों के ऊपर जाइएगा ना तो पूरा मार्केट टाइप का बना हुआ है। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है रानी कमलापति वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से। पक्का 12:00 बजे हमारी ये ट्रेन निकली है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति से। आप चलते हैं सोने के लिए और कल सुबह से इस ट्रेन जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। सीधा मिलते हैं आपसे सूरत में। कल उस ओर से आ रही है तूफानी रफ्तार में सूरत भागलपुर एक्सप्रेस। सबसे पहले स्वागत है आपका गुजरात में, वेलकम टू गुजरात स्टेट। और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है सूरत। चाय वाला चाय मिला रहा। अरे भैया बाकी गाड़ी आई है 5 घंटे की देरी से, इसका यहाँ आने टाइम था 8:30 बजे, आई है 1:00 बजे। और अपने नीतीश भैया को बोलते हैं बाय बाय, इनका सफ़र यहीं तक था। अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके, बहुत अच्छा लगा। और सूरत आपको पता ही है, सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है क्योंकि सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का एक बहुत बड़ा हब है और साथ ही साथ कपड़ों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। सूरत से पहले पूरा ट्रेन पैक था और सूरत में देख लीजिए पूरा गाड़ी लगभग खाली हो चुका है, पूरा ट्रेन जो है वो ढन ढन हो चुका है। बबुआ 1:15 बज चुके हैं और फिलहाल हमारी ये ट्रेन निकल चुकी है सूरत से। बाय बाय हो सूरत रेलवे स्टेशन। अब ये रुकेगी बड़ौदा, उसके बाद आनंद, उसके बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन अहमदाबाद। तो समय है 4:00 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बड़ौदा यानी बड़ौदरा जंक्शन। और इस ट्रेन को यहीं छोड़ते हैं हम क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, गाड़ी को हो चुका है भगंदर रोग। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जाने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फिलहाल उस तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ चुकी है जो कि चलती है। कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है बड़ौदरा 4:00 बजे, आप हमें कमेंट में बताइए।